न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नगर पालिका परिषद गजरौला नेशनल हाईवे 24 के किनारे स्थित श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम। बता देंगे, रविवार को श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन गजरौला में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में वृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें नीम, पीपल, जामुन, अर्जुन, गोल्डमोहर, सहजन, सागौन व सीरस जैसी बहुमूल्य औषधियों के वृक्ष लगाए गए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ फिल्म अभिनेता उत्तर कुमार एवं अभिनेत्री ऐश्वर्या त्यागी एवं गजरौला बीकानेर वाला रेस्टोरेंट के स्वामी मुकेश गोयल ने पीपल का पौधा लगाकर किया। इस अवसर पर अभिनेता उत्तर कुमार ने कहा कि विश्व के लिए यह वर्ष कठिन दौर से गुजरा है। अनेकों व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे 5 पौधे अवश्य लगाने चाहिए जो ऑक्सीजन देने का काम करते रहें। उत्तर कुमार ने कहा कि साथ ही में पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल जी एवं अंशु परिषद गजरौला को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने गजरौला जैसे शहर को स्वच्छ व स्मार्ट बनाकर नगर व क्षेत्रवासियों के सपने को पूरा किया है। वह इस क्षेत्र के लिए हरा भरा स्वच्छ वातावरण, कुशल शिक्षा व आधुनिक शिक्षा से परिपूर्ण नागपाल इंटरनेशनल स्कूल व श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिक्षण संस्थान बनाकर क्षेत्रवासियों के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य किया है। इस अवसर पर मुकेश गोयल ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन के लिए जल एवं जलवायु का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हमें हर वर्ष अपने घर, प्रतिष्ठान और खेत आदि में इस तरह के पौधे अवश्य लगाने चाहिए। इस अवसर पर नागपाल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर देवसिया, प्राचार्य श्री राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन का समस्त स्टाफ व नागपाल क्रिकेट अकेडमी के संचालक सरदार हरजीत सिंह मौजूद रहे। महाविद्यालय के प्रबंधक ललित चौहान ने इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगणों का अभिनंदन किया। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।